ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड उगिया गंडा समाज द्वारा नुआखाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के लोग इसे गेट टुगेदर मानते हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा डीएससी द्वारा जारी किए गए ऑडियो टेप की सत्यता की जांच की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने 10 दिनों का अल्टीमेटम भी देते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा अब तक हजारों बच्चों का, कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में कराया जा चुका, लेकिन किस उन बच्चों के कोई भी अभिभावक ने अब तक इस तरह की बात नहीं की गई है कि जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा एक भी पैसे की मांग की गई। लेकिन पिछले दिनों डीएससी ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर यह दावा किया कि जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा एक कमजोर वर्ग की महिला से उनके बच्चे के नामांकन के एवज में 3000 रुपये की मांग की गई। सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर अभिभावक संघ पिछले दिनों आरटी सेल में कार्यरत लोगों को द्वारा एक कमजोर वर्ग के महिला से जिस तरह से बदतमीजी की थी, डीएससी के ढुलमुल कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए डीसी महोदय से कंप्लेन किया और उसके एवज में डीएससी अपने सुरक्षा के रूप में इस ऑडियो क्लिप को जारी कर यह जाहिर करना चाहे कि हम गलत हैं। आज किनसे मिले आप लोग, क्या मांग किया? आज डीसी महोदय से हम मांग किए और उनसे तीन बिंदुओं पर हम लोग जांच करने की मांग कर रहे हैं। पहला कि जो ऑडियो क्लिप जारी किया गया उसकी सत्यता की जांच हो, जिस महिला ने एलिगेशन लगाए उसको सामने लाया जाए, उसके लगाए गए एलिगेशन की सत्यता की जांच हो, और तीसरा जो अहम मुद्दा है कि ये ऑडियो क्लिप कुछ चुनिंदा पत्रकारों को दिया गया था जो उनके कार्यालय में, डीएससी के कार्यालय में घंटों बैठकी करते हैं। ओणम महोत्सव के मौके पर साक्षी केरला समाजम द्वारा सोमवार को सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन परोसा गया, जिसमें 16 तरह के व्यंजन शामिल थे। समाज द्वारा हर वर्ष लोगों को भोजन परोसा जाता है। हाँ,